नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। पुरुलिया में आयोजित कर्मी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के पावना को रोके हुए है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 100 दिन के रोजगार योजना का रुपए दो, नहीं तो विदा लो। आज के अपना जाने बीजेपी सरकार 8 बच्चों क्षमता आसार पर ग्रामे गंजे गरीब लोक 100 दिन क्या कर টাকাটা কাদের আমাদের টাকা আমাদের টাকা আমাদের এখান থেকে তুলে নিয়ে যায়, কারণ রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্যের থাকে না কেন্দ্রের থাকে, আমাদের এখানকার ট্যাক্স সব তুলে নিয়ে যায় বিজেপি সরকার দিল্লির সরকার। সেই ট্যাক্সের থেকে 40% মাত্র আমাদের দেয়, সেই 40% টাকার মধ্যেই 100 দিনের কাজের টাকা আছে, বাংলার বাড়ির টাকা আছে, সড়ক যোজনার টাকা আছে, রেশনের টাকা আছে, এটা আমাদের টাকা, আমরা এই টাকাগুলো দিয়ে আমরা কাজ করি। আজকে বিজেপি সরকার ডিসেম্বর মাস থেকে আমার গরিব মানুষরা, গরিব ভাই বোনেরা যারা 100 দিনের কাজ করছে তাদের মাইনের টাকা দিচ্ছে না। আমি পরিষ্কার বলি, হয় 100 দিনের টাকা দাও, আমাদের টাকা আমাদের লোকেদের দাও, আর তা নাহলে বিদায় নাও। হয় গরিবদের টাকা দাও, নয় বিজেপি সরকার বিদায় নাও, তোমাদের ভারতবর্ষে থাকার দরকার নেই। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 जून को सिंगूर जाएंगे, वहां शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में पूजा भी करेंगे। फिलहाल सीएम बांकुड़ा सफर पर है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को केंद्र ने सतर्क करते हुए उन्हें मीडिया के सामने कुछ भी कहने से मना किया है। गार्डन रिज के एक निर्माणाधीन इमारत से 12 वर्षीय किशोर का रक्त जनित शव बरामद किया गया। किशोर के शव पर सबसे पहले उसके बड़े भाई की नजर पड़ी थी। घटना गार्डन रिज थाना अंतर्गत गुलाम अब्बास लैन की है। मृतक का नाम शेख अयान बताया जा रहा है। वह कक्षा 6 का छात्र था। घटना की सूचना पाकर मौके पर गार्डन रिज थाना और होमिसाइड विभाग के अधिकारी पहुंचे। एक नज़र जिलों से जुड़ी खबरों पर। श्यामनगर में तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी की सभा के दूसरे दिन ही जगदल विधानसभा के नारायणपुर में पोस्टर लगाए जाने को लेकर हड़कंप मच गया। पोस्टर में सुविधावादियों के लिए दरवाजा बंद की बात कही गई है। जैसा कि सभा में तृणमूल महासचिव ने कहा था, उन्हीं की बात को यहां पोस्टर में लिखे जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जी आक्षेप खोप जेटा आछे সেটা হয়তো পোস্টারের মাধ্যমে বার করেছে। তারা অতি উল্লাসিত হয়েছে যে তাদের লিডার, তাদের ভরসা ছিল, তাদের বিশ্বাস ছিল যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে তাদের কথাটাই স্টেজ থেকে বলবে, আর সেই কথাটা বলার পরে তারা উল্লাসিত হয়ে হয়তো করে ফেলছে। পোস্টার লাগাচ্ছে, মারা পোস্টার লাগাচ্ছে, পোস্টার লাগানো অথরিটি আছে কি না আছে সেটা বলতে পারবে। অভিষেকের সবার পরে এইরকম পোস্টারটা কিন্তু আমি জানি না, এটা অভিষেকের সভাকে অপমান করা হচ্ছে মনে হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা কি বার্তা দিয়েছেন, তারপরে পোস্টার লাগানো। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। जारी हुई पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त 6,000 रूपए दिए जाएंगे सालाना। जान लेते हैं धर्म जगत से जुड़ी खबरें। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति बुधवार का व्रत रखता है उसे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। बुधवार का व्रत करने वाले व्यक्ति की बुद्धि भी बढ़ती है। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की खबरों की ओर। रणबीर कपूर ने विशाखापट्टनम से शुरू किया ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन। फैंस ने क्रेन से पहनाई फूलों की माला। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।